वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। देशमुख उद्धव से मिलने उनके घर भी पहुंचे हैं। गृह मंत्री के इस्तीफा के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच मुलाकात हुई है। देशमुख ने इस्तीफा में लिखा, आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। राज्य की तरह अमरावती जिले में भी कोरोना महामारी तेजी से पांव पसर रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार के आदेश की तर्ज पर जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने भी पुराने सभी आदेश रद्द करते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आज शाम 6 बजे से 30 अप्रैल तक जिले में कड़ा लॉकडाउन रहेगा। जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। सड़क किनारे नाश्ते व फुटकर दुकानें भी नहीं लग पाएगी। रात के समय संचार बंदी, दिन में जमा बंदी लागू किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में भी केवल 50% ही कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गई है। कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद 16 जनवरी से वैक्सीन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें नेशनल एम्पायर ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 द्वारा निर्बंध की गई प्राथमिकता और संबंधित विभाग द्वारा की गई मान्यता के बाद सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन देने का निर्णय लिया। प्राथमिकता के अनुसार इन वर्करों के नामों का पंजीकरण कराना शुरू किया गया, किंतु अब हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर अवैध रूप से पंजीकरण कर वैक्सीन लेने के मामले मिलने की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी। पूरे राज्य समेत आज से अमरावती जिले में भी 1 माह के लिए कड़ा लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके कारण फिर लोगों को बेरोजगारी के चलते भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण अब लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से नहीं बल्कि आर्थिक तंगी के चलते होगी। इस बात का पिछला कोरोना काल का इतिहास गवाह है। कई लोगों ने आर्थिक तंगी चलते मौत को गले लगाया था, अब फिर वही वक्त वापस लौट कर आया है। जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर ने किसी को मृत घोषित कर दिया और उसके परिजनों को यह सूचना दे दी, फिर मृतक को देखने के बाद पता चले कि इसकी सांस चल रही है और दिल भी धड़क रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा। यवतमाल से सरकारी अस्पताल से ऐसा ही एक मामला सामने आया है।